रॉन्ग कोचिंग अगर सेलेक्ट कर लिया तो तुम्हारी लाइफ रुइंड है। कौन से कोचिंग में सबसे अच्छे टेस्ट सीरीज होते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा सोर्स अभी तुम्हें पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा कोचिंग तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा नीट प्रिपरेशन के लिए। थंबनेल सबने देख लिया होगा, तो अभी मेजरली कुछ ही कोचिंग चल रहे हैं जो कि आज के टाइम पे टॉप पे है और उन्हीं में से तुम लोगों को सिलेक्शन करने में मुश्किल हो रही होगी। बाकी सारे जितने छोटे मोटे कोचिंग्स हैं या फिर बड़े भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन तीन मेजर कौन कौन से हैं, आकाश, एलन, पीडब्ल्यू, ये तीनों बहुत मेजर हैं। बाकी इन मोशन वगैरह है, वीएमसी, ये सारे कहीं ना कहीं इन्हें सबके बीच बीच में फॉल करते हैं, तो यू कैन टेक एडमिशन अगर तुम्हें ठीक लगता है तो। बाकी हम लोग ये तीन मेजर के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा काम सेट हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि थोड़ा कुछ वैल्यू जान के जाओ। कोचिंग ले लेना इज नॉट इक्वल्स टू सिलेक्शन। कोचिंग क्या कर सकता है, कोचिंग कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। अब एनसीईआरटी सीधा लेके बैठ जाओगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी क्योंकि उसके डेप्थ तक तुम जा नहीं पाओगे। कोचिंग कैन हेल्प यू विद दैट। अगर अब तुम कोई कोचिंग ले लेते हो, ये मैंने लिख के रखा हुआ है किसके क्या कौन से क्या प्रोज हैं, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। पहले समझो, एक कोचिंग तुमने ले लिया, लेट से आकाश में तुम चले गए। आकाश में जाने के बाद क्या कराएंगे वो तुम्हें, ओके कैसे फॉलो करना है ये बता रहा हूं मैं, कैसे फॉलो करना है किसी भी कोचिंग को, क्योंकि कोचिंग ज्यादा मैटर नहीं करेगा, हाउ यू स्टडी इज गोना मैटर। क्या करना है, कोचिंग में नोट्स बनाएंगे, बना लिए, घर पे आए सेम डे नोट्स को पढ़ लो। क्या होगा ना, अगर दो दिन भी गैप कर लोगे तो वो नोट्स समझ में नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दो दिन गैप कर दोगे, वो नोट्स में तुमने क्या लिखा था, तुमने उस वक्त क्या सोचा था कि अरे ये नोट नहीं करूंगा, ये अंडरस्टैंडिंग पे है, वो दो दिन बाद तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से चला जाएगा। तो इसलिए एक दिन के अंदर या फिर सेम डे आके ही पढ़ डालो नोट्स को। नोट्स तुमने पढ़ लिए, एक बार पढ़ लोगे अगले बार कुछ हफ्तों तक भी ठीक रहेगा, हफ्ता भर के बाद फिर से रिपीट करना होगा। फिर क्या करो, तुम उसी दिन नोट्स के बाद एनसीईआरटी रीड करो। क्या होगा ना, कोचिंग जाना स्टार्ट करोगे ना तो एकदम ओवरवेल्म रहोगे, ओवरबर्डन रहोगे कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। नहीं, तुम्हें क्या करना है, मॉड्यूल अभी कोशिश करो बायो के लिए एटलीस्ट हाथ नहीं लगाना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए लगाना जरूरी हो जाता है, बायो के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट आओ, नोट्स पढ़ो, नोट्स के बाद एनसीईआरटी जंप कर जाओ। एनसीईआरटी पूरा अच्छे से रीड करो। लेट से आज तुम्हें कोचिंग ज्यादा नहीं पढ़ाएगा, एनसीईआरटी मान लो कि 6-7 ही पेज पढ़ाए गए आज, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से। वो तो मॉड्यूल के हिसाब से कितने पढ़ा दे भगवान जाने, एनसीईआरटी के हिसाब से 6-7 पढ़ाए गए। तुमने नोट्स पढ़ा, आके एनसीईआरटी रीड कर ली। अब एनसीईआरटी रीड करोगे ना तो उसके लाइंस तुम ऐसे ऐसे उड़ाते जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है। तो अब इंपॉर्टेंस को कैसे क्रैक करना है, कि उसी लाइंस से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं, उन्हीं पेजेस से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मेरे पास। क्या करो, नीट प्रेजेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास पेज डाउनलोड कर लो। उसमें तुम्हें मिलता है उस पेज वाइज फिल्टर, क्या है कि इस पेज से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सारे पेजेस से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो तुम्हें निकाल के दे देंगे, वहां पे उनको सॉल्व कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो। अगर उससे भी नहीं होता है तो तुम्हारे पास नीचे वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, नहीं तो तुम्हारे पास अवेलेबल है पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी। पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी में क्या है कि हर पेजेस में जितने उन पेजेस से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो हाईलाइटेड है, तो उससे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं उसके ऊपर नीचे की लाइंस देख लो, तो ये सारे तुम्हारे पेजेस क्लियर हो गए हमेशा के लिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल तुम्हें मिलेंगे वहां पे, असर्शन रीजन, मैचिंग टाइप, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट, डायग्राम बेस्ड, लेबलिंग, प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, हर टाइप क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। और जाके तुम अगर अल्टीमेट कॉम्बो पैक में एनरोल करते हो तो तुम्हें मिलते हैं 8 फिजिकल बुक्स जो तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएंगे और तुम उसको पेन पेपर मोड में सॉल्व कर सकते हो। तो ये एनसीईआरटी को क्रैक करने का इससे बेटर आई कांट सजेस्ट। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। आए तुमने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन काम करके तुम्हारा वो पेज अब नीट के लेवल के लिए क्लियर हो चुका है, इतने अगर क्वेश्चन तुमने कर लिए तो। अब चलते हैं, ये तो एनसीईआरटी तुम्हें अप्रोच कैसे करना है कोचिंग को वो देख लिया हमने। अब कोचिंग में जाने के लिए चूज करना होगा सबसे पहले कोचिंग, कौन सी कोचिंग जानी चाहिए। देखो आकाश में क्या है बेनिफिट, मैं आकाश का स्टूडेंट रह चुका हूँ और पीडब्ल्यू का स्टूडेंट रह चुका हूँ। ड्रॉप ईयर में मैं पीडब्ल्यू में था और फर्स्ट ईयर में मैं मतलब पहली बार जब ट्राई कर रहा था तब मैं आकाश में था। तो आकाश के बारे में बताता हूँ, आकाश मैं दिल्ली में प्रीत विहार बैच में, प्रीत विहार वाले सेंटर पर था। तो उसमें हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर मिलते हैं, जैसे केमिस्ट्री है वो शुरू से अंत तक तुम्हारे एक ही केमिस्ट्री टीचर पढ़ाएंगे, फिजिक्स है सेम टीचर पढ़ाएंगे। अगर नहीं जमता है तो यू कैन अप्रोच टू द हेड जो भी वहां के, और वो तुम्हारे चेंज कर देते हैं, या तो बैच चेंज कर देंगे नहीं तो टीचर चेंज कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द होल क्लास क्या कहती है, ठीक है। तो ये हो गया एक पहला। दूसरा क्या है कि गुड टीचर अगर मिल गया तुम्हारा सब्जेक्ट को स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा जिटर रहता है क्योंकि बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं कि अरे टीचर ठीक नहीं है, ये चीज हो जाएगी। तीसरी चीज बैच चेंज कर, तो बताई थी तुम्हें, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट जो है ना आकाश में बहुत अच्छी है, तुम्हें हर 15 दिन पे टेस्ट लेंगे, 14 दिन पे टेस्ट लेंगे, उसके बाद मेजर टेस्ट होते रहते हैं, माइनर टेस्ट होते रहते हैं, मतलब AIATS बतेरे टेस्ट होते रहते हैं, फुल सिलेबस के टेस्ट खूब होंगे, मतलब तुम्हें टेस्ट की कोई कमी नहीं होगी। अब आते हैं थोड़ा एलएन पे, फीस इसका जो है ना आकाश का वो मीडियोकर पड़ता है, थोड़ा सा एलएन से कम ही पड़ता है। अब आते हैं हम लोग आकाश एलएन पे, एलएन में फीस थोड़ी ज्यादा हाई है,
फीस ज्यादा आई है, लेकिन एलएन के लिए अगर तुम कोटा चले गए, कोटा दिल्ली गुजरात ये कुछ जगह पे अभी बहुत नीचे वाले पे तो आया नहीं है, तो कोटा चले गए अगर, तो भाई साहब वहां पे जो कंपटीशन का सेंस मिलेगा ना वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, डिग्रेडिंग भी हो सकता है। बेनिफिशियल इसलिए कि भाई तुम्हें कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा तो तुम और बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, तो ये तुम्हारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो वो तुम्हारे पर डिसीजन करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर एलएन ले रहे हो थोड़ा, अगर बहुत फीस देने का कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें तो एलएन जाओ, कोटा पहुंच जाओ, कोटा में जाके एक्सपीरियंस लो भाई, क्या मजा आएगा तुम्हें, जो वहां पर मिलेगा ना प्रेशर उससे तुम बहुत आगे भी निकल सकते हो, मैं मानना चाहता हूँ। तो ये हो जाती है चीज वहां पे, हर चैप्टर वाइज टीचर मिलते हैं कि ऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए एक टीचर है, या फिर हो सकता है ऑर्गेनिक में भी डिवाइड कर दे, तो टीचर्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो अगर एक चैप्टर तुम्हारा खराब भी हो गया तो अगले चैप्टर में तुम संभाल सकते हो पूरा सीन। ये है टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, कोई कमी नहीं है इसमें टेस्ट की, टेस्ट तुम्हारा इनफ होता है, लेकिन टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है इनिशियली, तो कुछ ज्यादा ही हाई रहता है, तुम समझ में नहीं आया क्या कर रहे हो, तो बहुत डिप्रेस हो जाओगे कि भाई मैं पढ़ भी रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल धीरे 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 वो नीट के लेवल का ला देते हैं एंड तक। तो ये एक बहुत अच्छी कोचिंग रही कोटा जाने के लिए, अगर तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं है, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, फीस की कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एलन। तो आकाश एलन ऑलमोस्ट सेम लेवल, मैं थोड़ा सा एलन को ऊपर दूंगा, अगर तुम फी वीजा अफोर्ड कर सकते हो तो एलन जाओ, कोटा चले जाओ। फिर आता है तुम्हारे पास पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू से मैं पढ़ाऊं यकीन बैच 1.0, पहला यकीन बैच, उसमें टीचर्स तो बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं टीचर्स की, उस वक्त तो अलग पांडे सर ही पढ़ाते थे फिजिक्स, पता नहीं अब पढ़ाते कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छी कोचिंग थी, ऑनलाइन मैंने क्लासेस ली थी, तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है, सब तो कुछ काम टाइम पे हो जाता है, टेस्ट वगैरह भी खूब लेते हैं, तुम्हारे हर हफ्ते टेस्ट होता है, तो परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें डीपीपी वगैरह रेगुलरली सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, फिर उसका सॉल्व करके सॉल्यूशन मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों में, मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अब ये जो पीडब्ल्यू के सेंटर्स होते हैं इनका रिव्यू थोड़ा सा मैंने मिक्स सुना है, छोटे शहरों में उतना अच्छा नहीं है, अच्छे शहरों में बहुत अच्छा है, तो ये थोड़ी सी चीज है, बाकी हो सकता है अब और बेटर हो गया, मैंने ये 6-7 महीने पहले सुना था ये रिव्यू, लेकिन अभी हो सकता है और बेटर हो गया हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो ट्रायल लो अगर लेना है तो, और उसके बाद तुम आगे जा सकते हो, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, कोटा चले जाओ आराम से, किसी बड़े शहर में जाओ, कॉम्पिटिशन देखोगे बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, दैट्स व्हाट आई विल से। अगर मेरे को चूज करना हो तो आई चूज आकाश एलन में से कोई एक, आई विल बी कंफ्यूज्ड, पता नहीं, तो थैंक यू, आगे कोई जरूरत हो तो पूछ लेना।